गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अक्टूबर को गोवा में भाजपा सदस्यों को संबोधित करते हुए कई दावे किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है। आप खुद सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। देश को दुनिया के देखने का नजरिया, जो विदेश जाते हैं ये तो सेलरों का प्रदेश है। अब पूछना, पहले भारत का पासपोर्ट दिखाते थे, क्या रिएक्शन आता है, और आज भारत का पासपोर्ट दिखाते ही मुंह पर हंसी आ जाती है वो विदेश वाला कर्मचारी का, और कहते हैं कि मोदी जी के देश से आए हैं। भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने वो इसलिए कर पाए कि पूर्ण बहुमत की सरकार। द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, वन इंडिया और न्यूज डी सहित कुछ मीडिया संगठनों ने इस बयान पर खबर पब्लिश की। लेकिन अमित शाह का ये दावा कि भारतीय पासपोर्ट की ताकत बढ़ गई है कितना सही है? सबसे पहले पासपोर्ट की ताकत का मतलब है कि कोई व्यक्ति बिना वीजा के सिर्फ पासपोर्ट लेकर कितने देशों की यात्रा कर सकता है। जितने अधिक देशों में कोई यात्रा कर सकता है, पासपोर्ट उतना मजबूत माना जाता है। इसकी माप के लिए भारत सरकार HPI पासपोर्ट इंडेक्स का हवाला देती है। 2013 में भारतीय पासपोर्ट से 52 देशों में बिना वीजा के जाया जा सकता था। 2021 में ये संख्या 58 हो गई। टेक्निकली भारतीय पासपोर्ट की स्थिति सुधरी है, लेकिन हुआ ये कि दुनिया के बाकी देशों के पासपोर्ट और भी ज्यादा मजबूत हुए, इसलिए भारत की रैंकिंग ऊपर आने के बजाय नीचे गिर गई। यानी जहां 2013 में हमारी रैंकिंग थी 74, वहीं 2021 में हमारी रैंक है 90। ऑल्ट न्यूज ने हैनली एंड पार्टनर्स में कम्युनिकेशन की ग्रुप हेड सारा निकलिन से संपर्क किया और पूछा कि क्या हैनली पासपोर्ट इंडेक्स के आधार पर यह कहना सही है कि भारत का पासपोर्ट 2013 से मजबूत हुआ है। उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है। सारा निकलिन के मुताबिक हैनली पासपोर्ट इंडेक्स पर दूसरे 158 पासपोर्टों की तुलना में भारतीय पासपोर्ट की ताकत 2013 के बाद से मजबूत नहीं हुई है। 2013 में भारत की रैंकिंग 74 थी, जो 2021 में गिरकर 90 हो गई। पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग कैसे दी जाती है और देशों के पासपोर्ट के अंक किन आधार पर दिए जाते हैं, ये जानकारी पाने के लिए आप हैनली पासपोर्ट इंडेक्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं। कुल मिलाकर अमित शाह ने अपने संबोधन में जो दावा किया वो सही नहीं था। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय पासपोर्ट मजबूत हुआ है, जबकि सच्चाई ये है कि 2013 से तुलना करें तो विश्व रैंकिंग में हमारे पासपोर्ट की मजबूती 16 पायदान नीचे गिरी है।